गोल 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 घूमकर उसको अपने टमी में ही मिक्सअप कर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम बॉडमास रूल देखने वाले हैं, इसको क्लास 4 और 5 में कैसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा और कैसे एक्टिविटी के साथ पढ़ाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो क्लास, हाउ आर यू ऑल? ग्रेट। सो आपको पता है अगर मैं दूध में शक्कर डालकर और कोई भी मेरा जो फेवरेट फ्लेवर है उसका पाउडर डालकर ना पीऊं, और मैं क्या करूं, पहले मैं दूध पी लूं, फिर मैं शक्कर खा लूं, और फिर मैं मेरा फेवरेट वाला पाउडर खा लूं, और फिर मैं ऐसे गोल 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 घूमकर उसको अपने टमी में ही मिक्सअप कर लूं, तो क्या वो अच्छा लगेगा या मजा आएगा, क्या होगा बताओ? नहीं अच्छा लगेगा ना। व्हाई? क्योंकि जब हम दूध में शक्कर डालते हैं, फिर फ्लेवर पाउडर डालते हैं और मम्मा अच्छे से मिक्स करके जब हमको देती हैं, तो वो हमें टेस्टी लगता है। और ये ही दूध बनाने का एक क्या होता है, सिस्टम होता है। इसी तरीके से फ्लेवर वाला दूध बनाते हैं या पीने के लिए हमारा सिंपल दूध बनाते हैं। अच्छा, जब भी आप कोई गेम खेलते हो तो गेम ऐसे ही खेल लेते हैं क्या? अच्छा चलो आज खो खो खेलना है, चलो सब लोग खो खो खेलते हैं। नहीं, कुछ उसके रूल्स होते हैं, है ना। टीचर ने, जो हमारे गेम्स टीचर है, स्पोर्ट्स टीचर है, उन्होंने हमको रूल्स सिखाए हैं, है ना। हर गेम को खेलने का एक रूल होता है, और वो रूल क्यों होता है, क्योंकि अगर हम रूल फॉलो नहीं करेंगे तो हम उस गेम से आउट हो जाएंगे या फिर हम जीत ही नहीं पाएंगे। तो जीतने के लिए और अवार्ड लेने के लिए, प्राइज लेने के लिए हमें रूल्स फॉलो करने होते हैं। यस, राइट। अच्छा, आपको पता है एक बॉय था, देखो मैम एक बॉय बना रही है बोर्ड पर, एक बॉय था, उसका नाम था अभिमन्यु। किस किस को अभिमन्यु पता है? आपने टीवी पे देखा है महाभारत आती है, हाँ, उसमें जो अभिमन्यु था उसको एक गेम दिया गया था, पता है? उस गेम का नाम था चक्रव्यूह। क्या नाम था उस गेम का? चक्रव्यूह था। और ये जो गेम था वो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी, और उसके कुछ रूल्स थे चक्रव्यूह को तोड़ने के। अगर उसको उस एग्जाम में पास होना था चक्रव्यूह वाले, तो उसको वो रूल्स फॉलो करने थे, लेकिन उसको वो रूल्स ही नहीं पता थे, उसको सिर्फ आधे रूल्स पता थे, पूरे नहीं पता थे। तो क्या हुआ, अभिमन्यु वो चक्रव्यूह को नहीं तोड़ पाया, है ना, वो उसको एग्जाम को पास नहीं कर पाया। इसलिए जब भी हमें कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उसके लिए हमें सारे रूल्स अच्छे से पता होने चाहिए और स्टेप बाय स्टेप पता होना चाहिए। यस, सभी को ये बात समझ में आई? ओके, तो इसलिए आज हम मैथ्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही अच्छा रूल पढ़ने वाले हैं, बट इसका नाम पता है, बहुत ही नॉटी वाला है। पता है इसका नाम क्या है? इसका नाम है, नहीं तो फिर वो गुस्सा हो जाएगा, रोने लगेगा, बदमाश। ओह, डोंट लाफ। यस, इसका नाम है बदमाश। यस, सो आई एम गोइंग टू राइट द नेम हियर, BODMASO। सो फनी नेम, नो, बदमाश। सो इन हिंदी इट इज बदमाश एंड इन English it is bodmas. Okay, so what is bodmas rule we are going to see today, and what is today's date? Very good. Okay, so what is bodmas rule? Let's see. Okay, bodmas ka ek full form hota hai BODMAS. Okay, now B stands for ब्रैकेट। बी का मीनिंग क्या होता है बच्चों? ब्रैकेट होता है। ओके, देन ओ मीन्स होता है ऑफ। क्या होता है ओ? मीन्स ऑफ। वेरी गुड। डी मीन्स होता है डिवाइड। एवरीवन रिपीट आफ्टर मी, इट इज डिवाइड। वेरी गुड। एम स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई। एम स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई। वेरी गुड। देन ए स्टैंड्स फॉर एडिशन, एंड एस स्टैंड्स फॉर सब्सट्रैक्शन। ओके, सो ऑल ऑफ यू गॉट इट, सो एवरीवन हैज टू रिपीट इट आफ्टर मी। बी इज फॉर ब्रैकेट, ओ इज ऑफ, डी इज डिवाइड,
M is multiply, A is addition and S is subtraction. Very good. Now, ब्रैकेट भी मालूम है थ्री टाइप्स के होते हैं. ओके, दीज आर थ्री ब्रदर्स. ओके, वन इज छोटू वन, देन सेकेंड इज मिडिल वन एंड द थर्ड इज बिग वन. ओके, तो चलो देखते हैं कि ये ब्रैकेट्स क्या है. ओके, एक तो होता है छोटू ब्रैकेट. ओके, छोटू ब्रैकेट मीन्स स्मॉल ब्रैकेट. एक होता है बीच वाला ब्रैकेट मीन्स मिडिल ब्रैकेट. और एक होता है सबसे बड़ा वाला भाई है, ये सबसे बड़ा भाई है, सबसे स्ट्रिक्ट है, तो ये है बिग ब्रैकेट. ओके, सबको समझ में आया, स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट एंड बिग ब्रैकेट. नाउ व्हाट इज ऑफ? ऑफ इज नथिंग बट मल्टीप्लाई. ओके, जहां भी ऑफ है उस ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई. आपको मल्टीप्लाई करना है. अब ऑफ कैसे हमें समझ में आएगा वो अभी जब मैम सॉल्यूशन करके बताएंगे प्रॉब्लम का, तब आपको पता चलेगा. ओके, तो चलो एक हम जल्दी से सॉल्यूशन देखते हैं कि किसी प्रॉब्लम में इस बोडमास रूल को कैसे फिट करना है और कैसे सॉल्व करना है. ओके, नाउ इट इज बी ओ डी एम ए एस. इट मीन्स जब भी आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो इसका सीक्वेंस भी यही रहेगा. ओके, पूरे सीक्वेंस में जो भी ऑपरेशंस हैं, ओके, जो भी ऑपरेशन के साइंस हैं, उसमें सबसे पहले आपको बी को सॉल्व करना है मीन्स ब्रैकेट को. ओके, ब्रैकेट में भी देखो पहले छोटे वाले भाई को सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो गुस्सा हो जाएगा, रोने लगेगा, पूरा ही फिर मजा खराब हो जाएगा. तो सबसे पहले छोटू भाई को, फिर बड़े बीच वाले भाई को और फिर सबसे बड़े भाई को सॉल्व करेंगे. ठीक है, उसके बाद हम ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर एडिशन को और फिर सब्स्ट्रैक्शन को. ओके, और अगर बीच में कोई स्किप हो जाता है तो फिर हम नेक्स्ट वाले पर जंप कर जाएंगे. ओके, हमेशा ऑपरेशंस को लेफ्ट टू राइट लगाना है. ओके, ये मैम का लेफ्ट टू राइट है, आपका क्या होगा? लेफ्ट टू राइट हमें सॉल्व करना है. ओके, लेफ्ट से राइट हम सॉल्व करते हैं, लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे. ठीक है, कोई भी उल्टा नहीं करेगा, राइट टू लेफ्ट. चलो जल्दी से एक प्रॉब्लम लिख लेते हैं और फिर हम देखते हैं बोडमास रूल कैसे लगेगा. ठीक है, ओके, सो कैन यू सी ऑन द बोर्ड, आई हैव रिटन वन प्रॉब्लम हियर, 25 प्लस 5 माइनस 2, ओपन ब्रैकेट 6 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 क्लोज ब्रैकेट. ओके, ब्रैकेट को हमेशा कैसे रीड करना है, फर्स्ट इज ओपन ब्रैकेट एंड नेक्स्ट इज क्लोज ब्रैकेट. ओके, नाउ हमने अभी क्या सीखा है कि हमें बोडमास रूल लगाना है, बदमाश का रूल लगाना है. बोडमास रूल में सबसे पहले आता है बी. सो वेयर इज ब्रैकेट? दिस. तो हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. अब जब हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर हमें कहां से कहां जाना है? लेफ्ट टू राइट जाना है. तो बाकी का हम एज इट इज लिख देंगे. ओके, क्योंकि हमें सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है तो बाकी एज इट इज हमने लिख दिया. नाउ ब्रैकेट के अंदर क्या होगा? 6 डिवाइडेड बाय 3. 3 का टेबल पढ़ो, 6 कितने टाइम्स आ रहा है? 3 टू जा 6 एंड देन माइनस 1. वेरी गुड, अभी भी ब्रैकेट बचा हुआ है. फिर से हम बाकी की प्रॉब्लम को एज इट इज लिख देंगे. और 2 माइनस 1 क्या होता है? 1. नाउ मैंने आपको बोला था ना ऑफ. ऑफ क्या होता है बेटा? जब ब्रैकेट लगा हुआ है और उसके आगे एक नंबर है, इट मीन्स इट इज 2 ऑफ 1. ओके, इसको कैसे रीड करेंगे हम? 2 ऑफ 1. और ऑफ का मीनिंग क्या होता है? मल्टीप्लाई. इट मींस वी हैव टू डू 2 मल्टीप्लाई 1.
Okay, so it is 25 plus 5 minus 2 into 1 kya ho jayega? 2 ones are 2. Very good. Now, ab humare paas do operation hai. Ek hai plus aur ek hai minus. Okay, addition and subtraction. To pehle addition hoga ya subtraction? Addition hoga. Very good. 25 plus 5, everybody do fast. It is 30 minus 2. 30 minus 2 कितना होगा? Do it. Okay, very nice. It is 28. So, our answer is 28. Have you got it? Very good. Can we have clap for all of us? Very good. Okay, now see the next sum. So, चलिए, अब हम इसको solve करते हैं. Okay, everybody has to answer me. So, here we can see बड़ा भाई, बीच वाला भाई और छोटा भाई तीनों ही हैं. तो सबसे पहले हमें कौन से भाई को सॉल्व करना है? छोटे वाले भाई को. It means small bracket first. तो बाकी का जो problem है हम उसे as it is लिख लेंगे. 28 divided by 50 minus middle bracket 6 into 2. Now, in small bracket it is 7 minus 4. What will come? It's a 3. 7 minus 4 is 3. Now, next step is, now we have to solve the middle bracket. So, I am writing the problem as it is. Now, you see, 2 of 3. Abhi humne kya sikha tha? Of means kya hota hai? Multiply hota hai. So, 2 threes are 6. It means 6 into 6. Bracket close, then again 28 divided by 50 minus. 6 6a kya hota hai? 6 6a 36. Very good. And the big bracket close. Now let's solve the big bracket. Inside the bracket it is 50 minus 36. So it will come 4 and 4 minus 3 is 1. Now 28 divided by 14 and the answer will be 2. So, have you understood how easy it is? Okay, just you have to follow the Bodmer's rule and the sequence will also be same. Now, here I am writing one more problem and that you are going to solve. Okay, and in the same sequence you are supposed to solve it. So, I hope guys ki aapko ye Bodmer's rule introduction pasand aaya hoga. So guys, इस तरीके से हम Bodmer's rule class 4 और 5 में introduce कर सकते हैं. आप और अपने ideas इसमें use कर सकते हैं कि आप कैसे Bodmer's rule को real life example से connect करेंगे. क्योंकि real life example demo teaching में बहुत important है. आप जो भी content को तैयार करें उसके at least 1 से 2 real life example सोच कर जरूर जाएं. अगर आप मेरे channel पे new हैं तो जल्दी से इसे subscribe कर दीजिए और bell icon को जरूर press करिएगा क्योंकि आगे भी आपको ऐसे ही बहुत अच्छे-अच्छे टीचिंग के वीडियोस मिलते रहेंगे. आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और पसंद आया है तो जल्दी से लाइक और शेयर इसको करना मत भूलिएगा. थैंक यू.